आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। जिले के 96 सुरक्षित विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। प्रत्याशी 20 अप्रैल तक नामांकन कर सकेंगे। नामांकन को देखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में आम नागरिकों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। केवल प्रत्याशी अपने दो प्रस्तावक के साथ प्रवेश कर पाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी दिव्या मित्तल ने व्यवस्था का एडीएम शिव प्रताप शुक्ल के साथ निरीक्षण किया। विधानसभा उपचुनाव 96 सीट पर नामांकन प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज से शुरू हो गई। नामांकन के लिए आने वाले प्रत्याशियों को अपने वाहनों को दूर ही खड़ा करना होगा। इसके बाद वो नामांकन स्थल कलेक्ट्रेट परिसर के लिए रवाना होंगे। अपने साथ वो केवल दो प्रस्तावक के साथ ही नामांकन करने जाएंगे। इसके लिए कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा और व्यवस्था के लिए समुचित पुलिस फोर्स लगाई गई है। दो क्षेत्राधिकारी एवं 4 थाना प्रभारी के साथ पर्याप्त पुलिस, पीएसी बल और खुफिया विभाग के जवानों को तैनात किया गया है। आपको बता दें कि 21 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच और 24 अप्रैल को नामांकन पत्र की वापसी की तिथि है। 10 मई को मतदान और 13 मई को मतगणना है। मिर्जापुर से मनीष रावत की रिपोर्ट। सर, आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, सर क्या व्यवस्थाएं की गई सुरक्षा को लेकर? जैसा कि सभी लोग जानते हैं, आज से विधानसभा उपचुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है। इसमें कलेक्ट्रेट में नामांकन होगा। इसको लेकर के पूरी तरीके से पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। इसमें 2 क्षेत्राधिकारी, 4 थाना अध्यक्ष और पर्याप्त संख्या में पुलिस और पीएसी के साथ साथ एलआईयू के स्टाफ की इसमें तैनाती की गई है। जुलूस को कहाँ रुका जाएगा सर, कितने लोग आएंगे? जो भी चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उसके तहत जो गाड़ियाँ आएंगी, वो जो हमारा रमई पट्टी है उसके अंदर से किसी भी व्हीकल को अलाउड नहीं किया गया है। इसके संबंध में जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको पहले से सूचित किया जा चुका है। वहाँ से प्रत्याशी और जो आयोग की गाइडलाइन के अनुसार 2 और लोगों को आना है एक सेट नामांकन के साथ, उन्हीं लोगों को अलाउड किया जाएगा। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।